अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे हम खीर और पूरी। स्पेशल डिश है, स्पेशल डे भी था क्योंकि 2K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं मेरे चैनल पे, इसलिए मैंने ये डिश ट्राई की है। और मिलादुन्नबी भी आने वाली है तो आप लोग उस पर भी ये डिश को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं 1 कप, उसे धो के रख दें भीगने के लिए। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी लिए हैं मैंने, मखाना, काजू, बादाम और पिस्ता। इसमें से हम थोड़े ड्राई फ्रूट पीस के डालेंगे और थोड़े कट करके डालेंगे। पहले हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देसी घी लिया है मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के लिए। 1 टेबल स्पून आप देसी घी डाल लें एक भगोने में गरम करके। जैसे ही हमारा घी गरम होता है हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जो हमें फ्राई करने के हैं, काजू, बादाम और पिस्ता। ये तीनों एक साथ आप फ्राई कर लें पहले। लास्ट में हम इसमें मखाना ऐड करेंगे। मखाने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसलिए आप लास्ट में ऐड करें। देखिए बस 2 सेकंड में ये हो जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये हमारे ग्राइंड करने के हैं ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पे जो घी बचा हुआ था उसे पानी से हम इस तरह से बगार लेंगे। डायरेक्ट आप दूध मत ऐड करें इसमें क्योंकि फुल फैट दूध है तो भगोने को चिपकने का डर रहता है, इसलिए पहले पानी ऐड करें। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध की खीर बनाई थी, तब इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क। दूध को अच्छे से काढ़ लेंगे पहले। आप जब भी फुल फैट वाला मिल्क गरम करें पहले पानी ऐड करें फिर मिल्क ऐड करें, इससे दूध को दाग नहीं लगेगा। जब तक हमारा दूध पकता है हम ये ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे थे इसको ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट या फिर बारीक पेस्ट भी नहीं बनाना है, बारीक पाउडर भी नहीं बनाना है। इसको हम दरदरा रखेंगे, थोड़ा मोटा मोटा रहेगा तो ये खीर में पकने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, इसलिए आप लोग भी वैसे ही करें। और यहाँ पे साइड में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट भीगने के लिए छोड़ दिए, हम उसको कट करके खीर में पकाएंगे और थोड़े गार्निशिंग के लिए रख लेंगे इसी में से। जो ग्राइंडर में हमने ग्राइंड किया था ड्राई फ्रूट्स उसी में हम चावल को भी पीस लेंगे। पहले चेक करते रहेंगे दूध को, बार बार आप मिलाते रहें, चेक करते रहें कहीं दूध हमारा नीचे दाग लग रहा है या नहीं। देखिए बासमती चावल है ये, इसको भी हम बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको भी हम दरदरा ही रखेंगे। दूध में उबाल आने देंगे, हाई फ्लेम पे आप पहले दूध को अच्छे से उबाल आने के लिए रख दें। जैसे ही हमारे दूध में उबाल आएगा हम चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 3 से 4 केसर के काड़ियाँ। ज़ाफ़रान इसमें डालने से कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। डालने से उसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए ऐड किया है। अब जो हमने चावल पहले पीस के रखे थे उसको हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए चावल थोड़ा दानेदार ही रहनी चाहिए,
तभी हमारी खीर भी दानेदार ही बनेगी। अब चावल को दूध में पकने के लिए छोड़ दें। इसमें ऐड कर दें थोड़ा सा हरी इलायची पाउडर 1 टीस्पून के करीब। और इसको बार बार चम्मच से मिलाते रहें। चावल को दूध के साथ पकने के लिए छोड़ दें। और देखिए यहाँ पे काजू बादाम मैंने कट करके रखी है, इसमें से थोड़े से हम इसमें डाल देंगे और थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और चावल भी हमारा पकने लगा है, खीर गाढ़ी हो रही है। देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ताकि ये भी चावल के साथ अच्छी तरीके से पक जाए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पे जो बॉल से आप शक्कर लेंगे उसी कप से चावल लें, या फिर चावल जिस कप से लेंगे आप शक्कर उसी कप से लें। ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है खीर के लिए। देखिए अब यहाँ पे खीर अच्छी सी पक रही थी हमारी। अब जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखा था दरदरा सा, वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ताकि उसमें भी जो दाने बचे हुए हैं वो भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और इसे गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे और 10 से 15 मिनट। खीर में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि दूध आपका जितना अच्छा पकेगा उतने अच्छे से खीर बनेगी हमारी। अब यहाँ पे पूरी की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े कप से मैदा लिया है और 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। देखिए खीर को भी देखते रहते हैं। खीर यहाँ पे हमारी परफेक्ट बन के तैयार है और जब ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी, इसलिए बस इसकी कंसिस्टेंसी बस है। खीर का जब फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, यहाँ पे हम इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। देखिए ज़्यादा सख्त नहीं और ज़्यादा नरम भी नहीं, इस तरह का रहना चाहिए हमारा आटा। और यहाँ पे तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। आटे को भिगा के आप 5 मिनट छोड़ दीजिए रेस्ट के लिए। और फिर ना मैंने इसमें सोडा डाला है ना ही कुछ, सिर्फ इसमें नमक है और मैंने इसमें तेल भी ऐड नहीं किया है। इसी से हमारी पूरी अच्छी बन के तैयार होगी। देखिए ऐसे छोटे छोटे लोई बना लेंगे हम आटे को लेके। और पूरी में एक बात का ध्यान रखें आप, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए हमारी पूरी, छोटी रही लेकिन मोटी रहनी चाहिए। इससे पूरी में होल नहीं पड़ेंगे, सुराख भी नहीं होंगे और सख्त नहीं होगी हमारी पूरी। थोड़ा मोटा रखेंगे तो आप पूरी भी हमारी फ्राई करने के टाइम पे फूलेगी भी और खाने के टाइम पे सॉफ्ट भी रहेगी। तो आप लोग ये बात का ध्यान रखें। देखिए ये 2K का सेलिब्रेशन है, आप लोग ऐसी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें इंशाल्लाह और आगे जाएंगे। अब इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब आपका आटा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना आपको बार बार फिर खुश्की लगानी पड़ेगी, फिर आपका तेल भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आटे को आप जितना हो सकता है उतना सख्त रखें। देखिए एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे बेल लिए हैं। अब इसको फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए फ्राई करने के टाइम पे। आप इस बात का ध्यान रखें नो कॉम्प्रोमाइज तेल गर्म होने के लिए। आप स्लो फ्लेम पे भी इसे नहीं फ्राई कर सकते, इसका हाई फ्लेम होना ज़रूरी है तभी हमारी पूरी फूलेगी। देखिए कितनी अच्छे से फूली है। इस तरीके से आप एक एक करके सारे फूलियों को फ्राई कर लें।
ये बगैर सोडे के पूरी है, फिर भी इतनी अच्छे से फूली है। देखिए इसी तरीके से आप लोग बनाएं। थोड़ा सा गरम तेल आप पूरी पे डालें, वो अच्छे से फूल जाएगी इस तरीके से। देखिए इसका कलर भी कितने से अच्छे से आया है, दिखने में बहुत अच्छी दिख रही है और खाने में भी बहुत अच्छे से टेस्टी बनी थी ये, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करें। एक एक करके हम सारे पूरियों को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। अगर पतली रहेगी पूरी आपकी तो जब फूलेगी भी नहीं और जो सुराख हो जाएंगे उसमें, तो फिर उसमें से तेल चले जाएगा, बिल्कुल भी टेस्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप थोड़ी सी मोटी रखें ताकि हमारी पूरी अच्छे से फ्राई हो सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी पूरियों को तल लिया है, अब बारी आती है प्लेटिंग की। यहाँ पे मैंने एक बॉल में खीर को निकाल लिया है और गार्निशिंग के लिए जो ड्राई फ्रूट हमने कट करके अलग से रखा था वो इसके ऊपर गार्निश कर देंगे इस तरीके से। और पूरी देखिए, खाने में बहुत सॉफ्ट बनी थी पूरी, तो आप लोग बराबर इसी मेथड को फॉलो करें। देखिए आपको कैसी लगी डिश मुझे बताइए ज़रूर कमेंट में। और मेरे चैनल पे जाके और भी डिशेस है आप लोग ज़रूर से चेक करें। इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।